हेलो एवरीवन, आई होप आप सब जो तैयारी कर रहे हैं कॉल इंडिया की वो ठीक ठाक आपकी चल रही है। हाँ, एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करें, रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट के 4-5 जो दिन आपके पास हैं उनमें जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर आप मेमोराइज कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम में, और क्विकली अगर आप चीज़ें याद कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है, जो आप टाइम लगेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो कम से कम होगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, एजेस पे जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो पूछ सकता है आपसे वो हम डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के वो पूछ सकता है और किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे वो जा सकता है वो हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ हम समझेंगे कैसे जब क्वेश्चन बोलता है तो कैसे कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करें कि वो तुरंत इफेक्टिवली आपका कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फादर इज़ 4 times द एज ऑफ हर डॉटर। ठीक है, तो सीधा जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे फटाक से लिख लेंगे फादर क्या है, 4 times हर डॉटर्स एज। ठीक है, इफ़ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times द डॉटर्स एज। ठीक है, 5 साल बाद वो 3 time हो जाएगा अपने डॉटर की एज के। ठीक है, 5 साल बाद फादर की एज ये होगी f+5। ठीक है, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, d+5। ठीक है, और इसका 3 times करेंगे तो इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो ये हो गई है। अब पूछ क्या रहे, देन फर्दर आफ्टर 5 year हाउ मैनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर्स एज। मतलब ये कह रहा है अगले 5 साल बाद, मतलब कि इनिशियल से 10 साल बाद। ठीक है, तो ये पूछ रहा है f+10 बाय डॉटर्स की एज। ठीक है, ये रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़नी है और इजीली उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं, पूरे फंक्शन में एफ़ की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, 4d+5 = d+3 d+5 × 3। ठीक है, इस एफ़ को रिप्लेस कर दिया, 4d+5 = 3d+15। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो d की वैल्यू है, ये 5 उधर जाएगा, 3d इधर आएगा, d की वैल्यू आपकी 10 आ जाती है। ठीक है, अगर d की वैल्यू 10 है तो f की वैल्यू क्या हो जाती है, 40। ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 40+10 = 50 एंड 10+10 = 20, दैट इज़ 2.5। ठीक है, ईजी से क्वेश्चन होगा। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ये है कि जनरली लोग यहाँ पे 4d+5 कर देते हैं। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगी, आपका कुछ और आंसर आ जाएगा, या फिर ये चीज़ की जगह आप रेशियो गलती से निकाल देते हैं, f+5 / d+5। ठीक है, वो फर्दर देन फर्दर वर्ड उसने यूज़ किया, मतलब कि इनिशियली 5 साल बाद रेशियो दिया, उसके बाद एक 5 साल और ऐड किया, तो आफ्टर 10 year इनिशियल के 10 साल बाद वो पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसी टाइम पे आप निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, 3 times आ जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन में दिया हुआ है, और आंसर आपका डी पे आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड से जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो यही छोटी छोटी मिस्टेक होंगी, और इससे ज़्यादा मिस्टेक आपसे कोई करवा नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ अमंथ्स प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, इफ़ आफ्टर 20 years हिज एज विल बी 10 times ऑफ हिज एज 10 years बैक। ठीक है, आप देखिए, मान लो प्रेजेंट जो एज है, ठीक है, वही जो पूछ रहा है वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो ये क्या कह रहा है, 20 साल बाद जो उसकी एज हो जाएगी, x+20 20 साल बाद एज हो जाएगी, विल बी टेन टाइम्स हिज एज 10 years बैक, मतलब 10 साल पहले जो एज थी। बस इक्वेशन बन गई, यहाँ से एक्स आपको निकाल लेना, सिंपल, x+20 = 10x - 100। ठीक है, ये x उधर जाएगा, 100 इधर आएगा, 120 = 9x, x = 120/9। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 3 = 340 और ये फ्रैक्शन जो आपका 13.33। ठीक है, मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 30 सेकंड का रहेगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन आपको थोड़ा ध्यान से बनानी है, अगर आप इक्वेशन ठीक से बना लेते हैं फिर डेफिनेटली कोई इशू आएगा नहीं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 year ago द रेशियो ऑफ हनी एंड पीयूष एज वॉज 2:3।
ठीक है, एक साल पहले की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टली, आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज रेशियो बिकम दिस, हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ। देखिए ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, यहाँ किसने बात नहीं करी, इसमें से एक साल पहले 1 ईयर अगो एंड 5 ईयर आगे की बात करी, एक साल पीछे की बात करी, यहाँ का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ जो रेशियो है वो 2/3 है और यहाँ जो रेशियो है वो 4/5 है। अब देखिए आप अगर इनकी एज मान लीजिए हनी की एज एच में एच से डिनोट कर रहे हैं और पीयूष की एज पी से डिनोट कर रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं करूँगा तो मेरा जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि इस रेशियो के लिए मेरा मुझे लिखना पड़ेगा एच माइनस 1/P-1 इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा एच प्लस 5/P+5, ठीक है, इज इक्वल टू ये रेशियो। अब इनको सॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, तो और टाइम कम लगाने की वजह से प्रेजेंट एज की वजह की जगह हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इनकी एज एच एंड पी है, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा एच बाय पी इज इक्वल टू 2/3 एंड इसके आगे कितना ये चली गई 6 एच प्लस 6/P+6, ठीक है, तो ये दो चीज़ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फाइनली आंसर हमें यहाँ पे देना है। तो फाइनल जो आपका पीयूष पी जो हमने पी डिनोट किया पीयूष की एज से वो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, उसके एक साल बाद प्रेजेंट वाली कंडीशन बनेगी, इसलिए फाइनल जो आंसर हमारा रहेगा वो P+1 में रहेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई हो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर ना हो, कैलकुलेशन छोटी हो, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो h by p इज इक्वल टू 2/3 इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2/3 p, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि आपने p इज इक्वल टू 3/2 h क्यों नहीं लिखा, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा h p की टर्म्स में आ जाए, क्योंकि लास्ट में मुझे आंसर जो देना है वो पीयूष की एज देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज h प्लस 6/P+6 इज इक्वल टू 4/5, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5h+30 इज इक्वल टू 4p+24, ये क्वेश्चन है, इसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते जाएंगे कि सॉल्व कैसे कर रहा हूँ मैं। 5 × h की वैल्यू 2/3 p, ठीक है, प्लस 30 इज इक्वल टू 4p+24। अब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये 3 यहाँ से हट जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 12p हो जाएगा एंड ये 72 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, आप बार बार इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ये 5 × 10 5 × 2 10p हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10p है राइट साइड जाएगा, इधर से माइनस होगा 2p बचेगा, ठीक है, और ये जो 72 है ये इस तरफ आएगा, 90 में से माइनस करेंगे आपका 18 बचेगा, तो P की वैल्यू यहाँ से आ गई है 9, ठीक है, मतलब कि एक साल पहले जो हमने एजेस मानी थी, एक साल पहले पीयूष की एज है 9 ईयर्स है, अभी प्रेजेंट एज इसने पूछा हाउ ओल्ड इज ही नाउ, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 9+1 10 ईयर्स, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको थोड़ा ठीक से पढ़ना है, कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए आप अपने हिसाब से रेशियोज में मोल्ड करके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारांश इज 50 ईयर्स ओल्ड, नजमा इज 40 ईयर्स ओल्ड, हाउ लॉन्ग अगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3/2, ठीक है। प्रेजेंटली सारांश की जो एज है 50 है एंड नजमा की 40 है, ठीक है, अब ये पूछ रहा कितने साल पहले, ठीक है, हाउ लॉन्ग अगो, मान लीजिए एक्स ईयर्स बिफोर, ठीक है, एक्स ईयर बिफोर देयर रेशियो इनका 3/2 है, ठीक है, 50 − x / 40 − x will be equal to 3/2, बस अगर ये चीज़ आप फॉर्म कर पा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के तो डेफिनेटली आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत क्विकली इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आप क्या आएगी, 15 × 2 100 − 2x इज इक्वल टू 3 × 40 120 − 3x, ठीक है, ये टर्म उधर ले जाएंगे और ये टर्म इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये बहुत इजी हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे कोल इंडिया के एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड,
जितना कूल काम आप रहेंगे उतना ही इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, 15-20 सेकंड में 30 सेकंड में आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो टाइम आप बचाएंगे ये फर्दर आप अपने टेक्निकल में या जीएस में या किसी और रीजनिंग वगैरह में आप यूज़ कर पाएंगे। तो जितना इफेक्टिवली आप क्वेश्चन करेंगे शांत रह के उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और ये जो इक्वेशन है वो ध्यान से बनाएंगे, ठीक है, सोच समझ के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर्स, ठीक है। दिनेश की एज मान लो डी है, उसमें 9 जोड़ देंगे तो रोशन की एज आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन इस लाइन का मतलब यही हुआ, इफ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 4:5 हाउ ओल्ड इज दिनेश, ठीक है। वो एक और चीज़ कह रहे हैं, दिनेश और रोशन की एज का जो रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है दिनेश की एज, ठीक है। अब दिनेश की एज है तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके डी इज इक्वल टू 4/5 R नहीं करूँगा, क्योंकि दिनेश की पूछी गई है, मैं R निकालूंगा डी की टर्म्स में, R इज इक्वल टू 5/4 D, ठीक है। और ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा आंसर सीधा दिनेश की एज में आ जाएगा। डी प्लस 9 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या है, 5/4 D, ठीक है। ये जो टर्म है उसको उधर ले जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 5/4 D - D, ठीक है। ये जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, 5/4 - 1 दैट इज 1/4, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू D/4, दिस इम्प्लाइज दिनेश की जो एज है 9 × 4 = 36, ठीक है। ऐसे आपके आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपका काम है कि ये जो शुरू में इक्वेशंस जो बनाते हैं वो क्वेश्चन पढ़ के शांति से पढ़ें क्वेश्चन को, और फिर फ्रेम करें, फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आप क्वेश्चन पेपर में कर देंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे फोकस्ड, और जैसा कि मैंने सारी वीडियोज़ में बताया आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपको टेक्निकल लेक्चर्स आपको मैकेनिकल के चाहिए तो इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वेल प्लान्ड तरीके में सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।